की परीक्षाओं की तिथि घोषित न होने के चलते परीक्षार्थियों में रोष, जिसके चलते आज रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम गुला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि 15 जनवरी तक व्यापम की परीक्षाओं की तिथि घोषित की जाए। साथ ही सरकार को यह भी धमकी दी गई कि यदि परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई तो इतना उग्र आंदोलन हुआ कि इन परीक्षार्थियों द्वारा किया जाएगा, जिसका खामियाजा प्रदेश में नवनियुक्त कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि व्यापम की परीक्षाएं पहले दिसंबर में होना थी, लेकिन चुनाव के चलते इनकी तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गई है। सभी परीक्षार्थियों में इस बात को लेकर भी रोष है कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी बैठक में इन परीक्षाओं के बारे में जिक्र तक नहीं किया। शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसमें वर्ग एक का पेपर 29 दिसंबर से और वर्ग दो का पेपर 19 जनवरी से होना तय था। चूंकि व्यापम बार बार ये बोल रही थी कि हमारी तैयारी फुल है, हम एग्जाम निश्चित डेट पर करवाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे पेपर होना था 29 दिसंबर से 22 दिसंबर को व्यापम ने एक नोटिस जारी किया कि परीक्षा तकनीकी कारणों से एक महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक ना तो किसी मंत्री का ना किसी विधायक का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि परीक्षा कब होनी है कब नहीं होनी, ना मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई किया। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, ना उसमें कोई फैसला किया गया। इससे छात्रों में असमंजस की स्थिति है तथा छात्र उनका पढ़ना जो पढ़ने का वो था समय वो भी लोगों का कम हो गया, क्योंकि जब कोई टारगेट सामने होता है तो लोग मतलब बच्चे उस हिसाब से मेहनत करते हैं, लेकिन जब टारगेट नहीं है तो असमंजस की स्थिति है। हमारी सरकार से बस इतनी प्रार्थना है कि 15 जनवरी तक परीक्षा की तिथि घोषित करें, अन्यथा इतना उग्र आंदोलन होगा कि जैसे जैसे प्रदेश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ दिया गया था, वैसे ही कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनाव में उखाड़ दिया जाएगा।